हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं होंडाई की i10 है, ग्रैंड i10 है, 2013 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। तो इसका आज मैं कंट्रोल पैनल, जो कि मैं और भी वीडियो बना चुका हूं इससे पहले, ये वाली बटन के ऊपर, जैसा कि देख पा रहे हैं टक टक की आवाज़ आ रही है, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप, टक टक की आवाज़ आ रही है। तो इस वजह से इसको रिप्लेस करेंगे, नया डालेंगे इसमें कंट्रोल असेंबली। तो इसके लिए मेरे को क्या क्या खोलना पड़ रहा है, सबसे पहले मीटर के ऊपर का फाइबर खोलना पड़ेगा, और जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ का दो स्क्रू रहता है साइड में, दो स्क्रू खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये 10 नंबर रहती है, ये सब खोलना पड़ेगा, ये निकाल के फिर मैं आगे आपको सब निकाल के फिर आगे दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं इसको निकाल चुका हूँ, और ये वाली जो फाइनल पैनल है मीटर के ऊपर का घड़ी का, क्योंकि ये लॉक यहाँ टच हो रहा है इसकी वजह से इसको खोलना पड़ता है, ये भी खोल दिया हूँ जैसा कि देख पा रहे हैं। तो इसको जो निकालेंगे ना, आपको स्क्रू ड्राइवर से कटा के निकालना पड़ेगा, बहुत प्यार से निकालना पड़ेगा, नहीं तो ज़रा सा भी ये करेंगे तो ये टूट जाता है, और इसका लॉक बहुत हार्ड रहता है। तो एक सॉकेट रहती है, ये वाली सॉकेट, मैं इसको निकाल देता हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं निकाल दिया, और इसमें स्क्रैच भी आएगा थोड़ा सा, जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रू ड्राइवर जो ये डालेंगे ना, तो इसमें स्क्रैच वगैरह आता है, तो उससे ये करने का नहीं, बाद में इसको स्क्रू ड्राइवर से ऐसा ये कर देंगे तो स्क्रैच ख़त्म हो जाता है। तो एक स्क्रू यहाँ है, तो मैं इसको स्क्रू खोल के निकाल के फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं ये स्क्रू निकाल दिया हूँ, और एक इधर स्क्रू रहता है वो भी खोल दिया हूँ, और ये इजीली आप खींचेंगे तो निकल जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं निकल चुका है। अब रही इसमें चार स्क्रू है, 1 2 3, एक नीचे एक इधर, चार, चारों स्क्रू खोल के फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं कंट्रोल पैनल निकाल दिया हूँ, ये दोनों केबल भी निकाल दिया, सॉकेट वगैरह जो लगी थी दो सॉकेट, ये दोनों निकाल दिया हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कंट्रोल पैनल, ये वाली केबल इसकी देख पा रहे हैं, केबल वगैरह सब बराबर है। तो नया वाला कंट्रोल पैनल ये बॉक्स में है, जैसा कि देख पा रहे हैं कंट्रोल असेंबली हीटर, प्राइस भी देख लीजिए, MRP 4981 रुपये का है, जेन्युइन पार्ट है, ओरिजिनल है। मैं खोलता हूँ इसको, जैसा कि देख पा रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल नया पार्ट है, ये रही जूनी वाली, ये रही नया। तो चलो फिर मैं इसको फिटिंग करने लेता हूँ, फिटिंग करने के बाद फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली फिट कर दिए हम इसको, लेकिन बट इसकी जो केबल रहती है ना, उसको जो केबल जहाँ के जहाँ जाके बैठता है उसको सबसे पहले फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि नया कंट्रोल पैनल चाहे कितना भी चेंज कर देंगे आप, उसको अगर क्लीन नहीं करेंगे फिर बाद में ये वैसे ही का वैसा ही हो जाएगा। तो चलो फिर मैं वो जगह दिखा देता हूँ आपको, और कहाँ जाके बैठता है उसका केबल जिसको फ्री करने का रहता है। ये नीचे रहता है आपका, ये रही केबल, यहाँ जाके बैठता है ये, जैसा कि देख पा रहे हैं आप कितना जाम है, ये बिल्कुल फ्रीली स्मूथली घूमना मांगता है। तो मैं इसको क्लीन करता हूँ, क्लीन करके फिर फिटिंग करता हूँ। तो चलो मैं क्लीन करके फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं इसको फाइनली क्लीन करके लुब्रिकेशन यानी फ्री कर दिया, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं बटन से घुमा रहा हूँ तो घूम रहा है बराबर, देख पा रहे हैं आप बराबर घूम रहा है, और अंदर भी देख लीजिए आप, यहाँ से बटन घुमा करके प्रॉपर चल रहा है, घूम रहा है। ये आप नया कंट्रोल पैनल कितना भी चेंज करवा दो, अगर वहाँ से अगर आप फ्री नहीं करते हैं तो ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, और फिर बाद में वही कट 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 की आवाज़ आने लगेगा। चलो सब मैं फिटिंग करके एक बार फिर आपको आगे दिखा देता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली गाड़ी फिट हो चुकी है, सब जो जो खोला था मैंने, और ये वाला बटन भी देख लीजिए प्रॉपर चल रहा है, डायरेक्शन फ्लैप भी प्रॉपर चल रहा है, और ये वाली कंट्रोल पैनल भी रिपेयर हो जाता, लेकिन बट कस्टमर का कहना है कि नया डलवा देंगे, नया डलवा दो इस वजह से, क्योंकि मैंने बहुत सारा कंट्रोल पैनल ये वाला रिपेयर किया है,
आप मेरे वीडियो में अगर नए हो तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए मैं कैसे कैसे रिपेयर किया हूँ। तो चलो फिर, अपना काम हो गया, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।